गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक मज़े की रेसिपी। मेरी फेवरेट रेसिपी है ये, जो कि है बटर चिकन। बहुत ही यमी, डिलीशियस, क्रीमी रेसिपी है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। गाइज चलिए बटर चिकन बनाते हैं। और बटर चिकन के लिए ये देखिए, मैंने ये बोनलेस चिकन का पीस लिया है और इसे हम कट करेंगे। हमें इसे एक थिन लेयर में ऐसे दो कर देना है। ये इस तरह से ऐसे थिन करेंगे हम इसे और इसको छोटा करते हैं। ऐसे पतले पीसेस इतने साइज के मैं रखूंगी। अगर आपको इससे छोटे करने हैं तो आप कर सकते हैं, कि ग्रेवी में थोड़े पीसेस दिखने चाहिए। अब ऐसे ही हम बाकी के भी पीसेस कट करते हैं। सो गाइज ये देखिए, मैंने चिकन कट कर लिए हैं और अब इसे हम रखते हैं साइड में, मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। ये देखिए गाइज, मैंने बोल ले लिया है और ये वही बोल है जो मैंने आइकिया से खरीदा था उस दिन। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैं आइकिया गई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, अच्छा व्लॉग बनाया था हमने, आइकिया का टूर करवाया था। ये बोल यूज़ करूँगी मैरिनेशन के लिए और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। ये देखिए मैंने इसमें लगभग 2 चम्मच के इतना तेल डाला है। इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून के इतना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ मैं इसमें तीखी लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी। ये देखिए मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। इससे पहले हम मिक्स कर ले ऑयल में अच्छे से। अब इसमें मैं ऐड करूंगी जीरा पाउडर, ये 1 टीस्पून के इतना मैंने ऐड किया। 1/2 टीस्पून के इतनी हल्दी ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, इसमें आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून के इतना आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, ये 2 टीस्पून डालेंगे हम। इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ, इसे हमें इसे मसल के डालना है। वन एंड 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर ले, मसाला लगा ले, मैरिनेट कर ले चिकन को अच्छे से। इस मसाले में इतनी अच्छी महक आती है गाइस, कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कस्तूरी मेथी नहीं भूलना इसे। सो ये देखिए गाइस, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। कम से कम 1/2 आवर टू 1 आवर, आधे से 1 घंटा इसे मैरिनेट होने रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसे आप ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से मैरिनेट होता है। मैं इसे 1 घंटे के लिए अंदर रखूंगी और तब तक हम हमारी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे जीरा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 प्याज, मीडियम साइज चॉप किया है मैंने, स्लाइस किया है। इसमें ऑयल कम डाला है मैंने तो मैं इसमें और ऐड करूंगी ऑयल। मसाले अच्छे से इसमें भूने जाएंगे। पहले हम प्याज को अच्छे से सॉटे करेंगे, इसमें एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है बट थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर इस पर आने देंगे हम। ये देखिए गाइस, इसमें पिंकिश कलर स्टार्ट हो गया है। प्याज जो है हमारे वो अभी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें अपने बाकी के मसाले ऐड करेंगे ताकि उसके साथ ही साथ ये अनियंस भी, हमारे जो प्याज है ये भी सॉटे होते जाएंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 6 हरी मिर्च, ये आपके टेस्ट के हिसाब से, आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड करें। फ्लेम स्लो रख देंगे। मैंने 1 मुट्ठी के इतने लहसुन छिल के डाले हैं, अक्के लहसुन डाल रही हूँ। और उसी के साथ ये देखिए मैं इसमें इतना अदरक ऐड कर रही हूँ, वो भी अक्का है, इसे मैं थोड़ा सा स्लाइस करके डालूंगी। इसे मिक्स करें हम थोड़ा।
प्लेन स्टो रखेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अक्खी कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखिए मैंने इसमें 5 मिर्च ऐड की है। अक्खी लाल मिर्च आप यूज़ करोगे अगर तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा गाइस, इसीलिए हम थोड़ा सा सॉटे कर लें। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं काजू। ये देखिए मैंने हाफ बोल के इतना काजू लिया है, 50 ग्राम काजू है ये, इसे भी हम सॉटे कर लें। अब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के इतना धनिया पाउडर ऐड किया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, ज़रा सी हल्दी ऐड करेंगे ताकि कलर एनहांस हो जाए इसका अच्छे से। इसमें मैं 1/2 टीस्पून के इतना लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको सिर्फ हरी मिर्च से बनाना है और काश्मीरी मिर्च से तो उससे भी आप कर सकते हैं। फ्लेम हाई करें और इसे मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटोज। ये देखिए मैंने इसमें 5 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के और उसे मीडियम साइज़ में चॉप कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके सॉटे कर लेंगे, अच्छे से मसाला पूरा भून लेंगे। इसमें मैं 2 इलायची भी डालूंगी। बस अब हम इसे भून लेंगे और इसे कूल डाउन होने के लिए, ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्लेम बंद करके। ये देखिए गाइस मसाला अच्छे से भून गया है, मैंने फ्लेम बंद कर दिया है अभी। अब इसे मैं कूल डाउन होने के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि हमारी जो बटर चिकन की जो मक्खनी बोलते हैं, जो सॉस होता है, जो ग्रेवी होती है जिसे पंजाबी मखनीस भी बोलते हैं, तो वो बनाएंगे इसका हम ग्राइंड करके। सो फ्रेंड्स जब तक हमारा मसाला जो है वो कूल डाउन हो रहा है तब तक चिकन ग्रिल करेंगे इसमें। अगर आपको इसमें नहीं करना है तो आप ओवन में भी कर सकते हैं ग्रिल, और नहीं तो आप तवे पे या कढ़ाई में इसे फ्राई भी कर सकते हैं, बट डीप फ्राई नहीं करना है, हमें शैलो फ्राई करना है ताकि ग्रिल जैसे हो। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैंने इसे हाई फ्लेम पर ही ग्रिल कर रही हूँ बिकॉज हमने इसे मैरिनेट किया है काफ़ी टाइम तक और ये थिन पीसेस हैं, पतले पतले पीसेस बने हैं, तो इसके लिए ये अच्छे से गल जाएंगे, अंदर से फ्राई हो जाएंगे, कच्चे बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे कलर आए हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स ये ग्रिल हो गए, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब ऐसे ही हम सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गाइस मैंने चिकन अच्छे से ग्रिल कर लिए हैं, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया उसे देखिए। अब मैं इसे यहाँ रखती हूँ साइड में, पहले इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे हम चिकन को और फिर हम इसमें रखेंगे, प्लेस करेंगे इसमें और इसे स्मोक देंगे, कोयले का स्मोक देंगे ताकि इसमें तंदूर फ्लेवर थोड़ा सा आ जाए। अच्छा लगता है बटर चिकन में तंदूरी फ्लेवर, सो हम वो करने वाले हैं। हमने जो ये मसाला बनाया था इसे हम ग्राइंड कर देंगे और देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसे हमने पूरी तरह से ठंडा किया है। इसे ठंडा करने का रीज़न ये है कि अगर आप गरम गरम इसे ग्राइंड करोगे तो इसका जो कलर जो हमें चाहिए है टमाटो काश्मीरी मिर्च का जो कलर आना चाहिए ग्रेवी में वो नहीं आएगा उतना, इसके लिए कलर छोड़ देता है अगर आप इसे गरम गरम ग्राइंड करोगे तो। और अगर आप इसे अच्छे से ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे फिर इसे ग्राइंड करोगे तो इसका जो एक्चुअल कलर आना चाहिए वो आएगा। सो चलिए हम इसे ग्राइंड करते हैं अभी। हम इसे ओपन करके देखते हैं। माशाल्लाह देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया इसे, ये देखिए गाइस अच्छा कलर आया, बट इसमें ये थोड़ा सा थिक हो गया है, हमें इसे थोड़ा सा ग्रेवी टेक्सचर चाहिए तो हम इसे लूजन अप करेंगे। सो अभी जो नेक्स्ट राउंड में पीसूंगी ग्राइंड करूंगी उसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूंगी, ठंडा पानी नहीं ऐड करेंगे, गर्म पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसाला भुना हुआ है। सो ठंडा पानी डाल के हम मसाले को ख़राब नहीं करेंगे, उसमें गर्म पानी ऐड करना चाहिए हमें। अभी हम इसे निकाल लेंगे पहले। ये देखिए गाइस
ये अभी थोड़ा अच्छे से ग्रेवी टेक्सचर आ गया है इसका, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में हो गया ये। सो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए गाइज, हमारी मखनी रेडी हो गई है बटर चिकन की। सो फ्रेंड्स, मैंने सेम पैन यूज़ किया है जिसमें मैंने ग्रेवी का जो मसाला भुना था, वही पैन को मैंने धोया नहीं है, उसी को यूज़ कर रही हूँ। और पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल के साथ मैं इसमें डालूँगी बटर, मैंने 100 ग्राम्स बटर ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून, फ्लेम स्लो रखेंगे। इसके बाद मैं इसमें एक प्याज चॉप किया हुआ फाइन, वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 इंच के इतना अदरक लिया था और लहसुन लिया है 4 कली, मैंने उसको भी फाइन चॉप किया है और वो ऐड कर देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून के इतना ऐड किया है। हल्की सी हल्दी ऐड कर रही हूँ। बस अब हम इसे थोड़ा सा सॉटे हो गया गाइस। अब हम इसमें हमारी मखनी छोड़ेंगे, ये देखिए, इसे हमें छान कर डालना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सॉस जो हमने पीसा था, ग्राइंड किया था मसाला, उसे मैंने ऐड कर दिया है, अच्छे से छान कर इसे ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका भी। इसे अभी हम 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने चिकन को प्लेस कर दिया है पैन में फिर से, और इसे आप चाहे तो इसे थोड़े छोटे पीसेस कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अभी मैं इसमें कोयला रख रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी घी, बंद कर देंगे। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखूंगी ताकि इसमें स्मोक अच्छे से फ्लेवर आ जाए उसका, तंदूर का। सो फ्रेंड्स, देखिए ग्रेवी रेडी है। अब मैं इसमें ये जो चिकन हमने स्मोक किया था वो ऐड करेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, फ्लेम हाई करेंगे। और ये देखिए गाइस, माशाल्लाह कितना अच्छा फील है इसमें, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। सो ये रेडी हो गई है हमारी बटर चिकन। अब इसे हम गार्निशिंग करेंगे। मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बोल में। सो गाइज, ये देखिए मेरा बटर चिकन रेडी है, मैंने इसे सर्विंग बोल में निकाल लिया है और इसे मैं अभी गार्निशिंग करूंगी थोड़े से धनिए से। और इसके ऊपर मैं डालूंगी मस्का। अब इसे मैं थोड़ा सा फ्रेश क्रीम से, माशाल्लाह। सो फ्रेंड्स, लग रहा है ना बहुत यमी सा, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही बहुत ही तंदूरी स्मोक्ड फ्लेवर का बटर चिकन बनाया है मैंने। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। इसे आप बटर नान से खाएं, तंदूरी रोटी से खाएं, या नॉर्मल रोटी से खाएं, या ज़ीरा राइस से खाएं, बहुत यमी है, बहुत मज़े का बना है। उसका टेक्सचर देखिए, उसका कलर देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे चख के आपको बताती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत टेस्टी है, बिल्कुल तंदूर का फ्लेवर आया है इसमें प्रॉपर जैसा आना चाहिए, और बहुत टेस्टी है। सो बिना टाइम वेस्ट करें मैं जा रही हूँ इसे खाने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। फिर आऊँगी न्यू ब्लॉग्स न्यू रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।